Hello everyone, good morning all of you. In this lecture, we are going to learn about communication. Communication क्या होता है, communication system क्या होता है, elements of communication system क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे. तो ये आपका basic communication techniques and sound engineering जिसका subject code है 1621405. जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, SVTE बिहार. तो ये आपका पहला लेक्चर है. इसमें हम लोग देखेंगे पहले कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन होता क्या है. तो कम्युनिकेशन में आपका तीन चीज का जरूरी आता है, एक आपका ट्रांसमीटर, एक आपका रिसीवर और एक आपका मीडिएटर बोलिए या मीडियम बोलिए या चैनल, चैनल और मीडियम. तो ट्रांसमीटर जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर जो सिग्नल को रिसीव कर रहा है, और मीडिएटर क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है. मीडियम का क्या काम है, चैनल का क्या काम है, ट्रांसमीटर और रिसीवर को कनेक्ट करता है, मींस दोनों को कनेक्ट करके रखता है. तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं, आप फोन पे बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, तो देखते हैं यहां से हम लोग बात करते हैं और दिल्ली पंजाब कहीं भी हम लोग बात कर लेते हैं, कोलकाता कहीं भी बात कर लेते हैं. तो यहां से सपोज कीजिए आप कॉल लगाए तो आप क्या हो गया, ट्रांसमीटर, और फिर वहां जो रिसीव करेगा वो क्या हो गया, रिसीवर, और बीच में जो है आपका जो ये एंटीना है, जो टावर है, वो क्या करता है, आपका मीडियम का काम करता है, चैनल का काम करता है, मीडिएटर हो गया. तो देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, करा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं. कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सिग्नल को या इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं. तो कम्युनिकेशन हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, जैसे कि दो आदमी के बीच में कम्युनिकेट करना, बातचीत जो हम लोग करते हैं. तो बातचीत के दौरान क्या होता है, एक हम है, एक सामने वाला आपका पर्सन होता है, और आपका एयर जो है वो आपका मीडिएटर का काम करता है. तो ये आपका कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसमिशन और रिसेप्शन होता है इंफॉर्मेशन का. हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, अपने विचार को हम लोग रखते हैं. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम इज द सिस्टम विच डिस्क्राइब्स द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू पॉइंट. कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है जो आपको डिस्क्राइब करता है दो पॉइंट के बीच में कम्युनिकेशन, मींस एक आपका सेंडर और एक रिसीवर, सेंडर बोलिए या ट्रांसमीटर, और एक आपका रिसीवर. तो ये आपको सेंडर और रिसीवर के दो पॉइंट के बीच में क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है. जैसे कि हम बोले और फिर सामने वाला के पास जाना चाहिए, आपका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना चाहिए. इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का कम्युनिकेशन सिस्टम का भी बहुत सारा माध्यम है, जैसे कि टेलीविजन के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. तो अभी जैसे कि यहां पे देखिए, ये भी आपका क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम है. हम आपको YouTube के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे, YouTube के माध्यम से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो हम क्या हो गए, हम आपके लिए ट्रांसमीटर हो गए. हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं किसको, इंफॉर्मेशन को, जो आपका बेसिक कम्युनिकेशन टेक्निक एंड साउंड इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट का आपका इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं. और YouTube का क्या हो गया, आपका YouTube एक मीडियम हो गया और आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए. हम सेंडर हो गए और आप रिसीवर हो गए. तो ये भी क्या है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है. हम लोग टेलीविजन के माध्यम से भी कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग टेलीफोन के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग सेलुलर फोन के माध्यम से करते हैं, मोबाइल के माध्यम से हम लोग करते हैं. कम्युनिकेशन का बहुत सारा माध्यम है. हम लोग आमने सामने भी कम्युनिकेट करते हैं जिसका मीडियम क्या होता है, एयर होता है. तो कम्युनिकेशन का बहुत सारा माध्यम है. जैसे कि एग्जांपल में देखिए, इंटरनेट आजकल, नाउएडे आजकल इंटरनेट जो है सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का माध्यम है. इंटरनेट सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का माध्यम है. आपका डाटा क्या है, बहुत ही
चीप हो गया है, सस्ता हो गया है, आप आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। देश और विदेश में जो भी कुछ होता है वो आप आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं। वो आपका यूट्यूब का माध्यम हो, वो आपका न्यूज चैनल का माध्यम हो, न्यूज पेपर हो, बहुत सारा माध्यम है। तो यहाँ पे जो हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे वो आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, मीन्स आपका रिसीवर से और ट्रांसमीटर से रिलेटेड है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो कम्युनिकेशन होता है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन का क्या माध्यम है? इंटरनेट है, टेलीविजन है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN है। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या प्रोसेस में है जो भाग लेता है, हिस्सा लेता है। तो देखिए एलिमेंट्स में क्या क्या है। पहला आपका इंफॉर्मेशन सोर्स है, फिर आपका इनपुट ट्रांसड्यूसर है, फिर ट्रांसमीटर है, फिर चैनल है, चैनल में ही नॉइज इंटर करता है, फिर आपका रिसीवर है, फिर आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर है, और फिर आपका डेस्टिनेशन है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं, और डेस्टिनेशन क्या करता है, डेस्टिनेशन के पास आपको रिसीव होता है। तो हम लोग सभी ब्लॉक को वन बाय वन करके देखेंगे। देखिए इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, जैसे कि ट्रांसमिट, जो चीज को, जो इंफॉर्मेशन को आपको ट्रांसमिट करना है उसको हम लोग क्या देंगे, इंफॉर्मेशन सोर्स में देंगे। सपोज कीजिए जैसे कि हम लोग बात करते हैं, आप क्लासरूम में देखते हैं एक माइक होता है और एक लाउड स्पीकर लगा रहता है, बहुत सारा लाउड स्पीकर रहता है लेकिन माइक एक रहता है जो फैकल्टी के टीचर के पास रहता है। तो माइक आपका क्या है, माइक आपका इनपुट सोर्स है। माइक क्या है, इनपुट सोर्स है। जो माइक्रोफोन हम लोग यूज करते हैं वो क्या करता है, आपको ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, माइक्रोफोन ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए। हम लोग केवल साउंड को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वेव के रूप में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स, जो आप जिसको जो इंफॉर्मेशन को आपको ट्रांसमिट करना है यहाँ पे देंगे। जैसे कि मैसेज सिग्नल, मैसेज में क्या हो सकता है, साउंड हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, लाइट हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है, जो हम बोल रहे हैं इट रस्ता हो सकता है, और भी बहुत चीज हो सकता है। उसके बाद आपका इनपुट ट्रांसड्यूसर है। सपोज कीजिए हम अभी बोल रहे हैं और मेरे पास माइक होता, तो माइक क्या करेगा, साउंड को, जो साउंड हम बोल रहे हैं, जो ऑडियो हम बोल रहे हैं, उसको क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होगा, जैसे कि सपोज कीजिए वर्ड होगा जो हम लोग साउंड बोल रहे हैं। और इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि माइक्रोफोन, माइक्रोफोन एक आपका ट्रांसड्यूसर है, एक तरह का ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है, ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर आप लाउड स्पीकर देखते हैं, लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर भी आपका क्या है, एक ट्रांसड्यूसर है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर है, यहां पे हम बताएंगे, जो क्या करता है आपको साउंड सिग्नल को, फिर सॉरी लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसड्यूसर क्या है आपका, एक आपका डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका क्या करता है, साउंड को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करके किसको दे देगा, देखिए अब जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा, और उसके बाद कहाँ चला जाएगा, ट्रांसमीटर के पास। ट्रांसमीटर क्या करेगा, जो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला उसको एम्पलीफाई करके क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। ट्रांसमिट करके किसको देगा, चैनल को देगा। और चैनल क्या है आपका, चैनल बोलिए या मीडियम बोलिए, तो चैनल क्या है, चैनल एक मीडियम है। चैनल क्या करता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर को कनेक्ट करके रखता है, एक मीडिएटर का काम करता है, दोनों के बीच में कनेक्शन बना के रखता है। तो चैनल को देता है, ट्रांसमिट क्या करता है, ये ट्रांसमीटर जो सिग्नल आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको ट्रांसमिट कर देता है चैनल के पास। जब ट्रांसमिट करता है तो वहां पे क्या होता है, कुछ नॉइज इंटर कर जाता है, यहीं से आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज आता है, जो क्या होता है आपको आउटपुट जो मिलता है डिस्टॉर्टेड मिलता है। जैसे कि लाउड स्पीकर में देखते होंगे कभी कभी आपका आवाज आता है, नॉइज आता है, जो आपको नॉइज आता है प्रोड्यूस करता है, जो आपको कान को सुनने में डिस्टर्ब करे वो क्या है आपका, एक तरह से नॉइज है। तो कुछ नॉइज जो प्रोड्यूस करता है यही चैनल में आपको नॉइज इंटर करता है यहीं पे। तो यहाँ पे आप क्या करता है, ट्रांसमीटर चैनल को देता है, चैनल में क्या होता है कुछ नॉइज इंटर कर जाता है।
और उसके बाद क्या करता है, चैनल फिर ट्रांसमिट कर देता है, चैनल किसको दे देता है, रिसीवर को दे देता है, और रिसीवर क्या करता है, रिसीव कर लेता है, जो आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो गया है चैनल के पास आया ट्रांसमीटर के द्वारा और उसमें कुछ नॉइज इंटर किया, और ये जो आपका सिग्नल है उसको क्या करता है, रिसीवर रिसीव कर लेता है, और ये सिग्नल क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका साउंड सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे रिसीवर क्या किया, रिसीव कर लिया, और रिसीव करके फिर क्या करेगा, आपको डीमोडुलेट कर देता है, मींस ओरिजिनल सिग्नल में एक्सट्रैक्ट कर देता है। फिर उसके बाद आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या है, ये भी आपका एक डिवाइस है जो क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेगा, साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो आपका मिलेगा, जो आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर के बाद जो आपको मिलेगा वो क्या है, मैसेज फिर मिलेगा, जो आप दिए थे वही मिलेगा, साउंड लाइट पिक्चर वर्ड इटीसी, और फिर आपका क्या होगा, डेस्टिनेशन के पास आ जाएगा। तो डेस्टिनेशन में हम लोग जैसे सपोज कीजिए लाउड स्पीकर का यूज करते हैं, और हम लोग इनपुट में इंफॉर्मेशन सोर्स में किसका यूज करते हैं, माइक्रोफोन का यूज करते हैं। तो आपका लाउड स्पीकर में जो मिलेगा उसमें क्या होगा, लाउड साउंड मिलेगा। हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कम होता है, अगर सपोज कीजिए आपका बहुत बड़ा भीड़ है, किसी आपको पब्लिक मीटिंग को आपको एक्सप्रेस करना है, तो वहां पे क्या चाहिए, आपको लाउड साउंड चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग लाउड स्पीकर का यूज करते हैं, जो क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई कहने का मतलब है वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन को मिल जाता है। तो देखिए हम लोग सपोज कीजिए वह आपको जो बोले वही हमको मिल गया, लेकिन एम्पलीफाइड फॉर्म में मिला, उसका क्या हो गया, एम्पलीफिकेशन हो गया, वीक सिग्नल जो था वो स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। तो आपका बहुत सारा सोर्स हो सकता है, जैसे कि आपका फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर क्या है, वो भी आपका एक ट्रांसड्यूसर है। क्या करता है फोटो डिटेक्टर, वो भी आपका एक ट्रांसड्यूसर है जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को, लाइट को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, मेरा जो कम्युनिकेशन होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होगा। तो आपको फोटो डिटेक्टर क्या करता है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ऑडियो सिग्नल को या साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, जो आपको साउंड बॉक्स जो होता है लाउड स्पीकर, तो वो क्या करता है, लाउड स्पीकर आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देखते होंगे कुछ इस तरह का। तो ये लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन को देखे, कम्युनिकेशन सिस्टम को देखे, और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम को देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।